अभी शाम के 5:30 हो रहे हैं और हम बना रहे हैं खट्टा, कद्दू का खट्टा। कद्दू की सब्जी होती है ना, उसमें खट्टा डालते हैं, उसको कहते हैं कद्दू का खट्टा। और ये लाल मिर्च है, उसमें मिर्ची ना तेज होनी चाहिए, तब वो टेस्टी होता है। और खट्टा पता है इसका डालते हैं, इसको हम गमरू बोलते हैं, खट्टा बोलते हैं, गलगल बोलते हैं। ओके, तो अब आ गए हैं हम बाहर। और बाहर कुछ ऐसा सा नज़ारा है, ये एक आंटी है और दो बच्चे हैं, छोटे छोटे, 3 बच्चे हैं, छोटे छोटे कजन्स। एक शाना है, दो बुआ के बच्चे हैं और एक महाराज जी है, जिनको कि हम अपनी लोकल लैंग्वेज में बोटी कहते हैं। और साधारण से शब्दों में हम उनको खाना बनाने वाले कह सकते हैं। ओके, और एक मेरा कजन है और एक पंडित जी है, अभी पूजा कर रहे हैं। पीछे से बुआ जी भी आ रहे हैं, इनकी इधर पूजा चली है। ये हमारी लैंग्वेज में बात कर रहे हैं, समझ नहीं आएगा आपको। ये मैं हूँ। ओम श्री आगतापि त्रिलोका त्वा हम वायु रूपी नदी उदी तहा भूमि जी मिले नी पानी पैर पानी का छीटा नम। उधर तो पूजा हो रही है और इधर आंटी काम कर रहे हैं, गाय का दूध निकाल रहे हैं। और चलते हैं अब इधर दूसरी साइड, क्या चला है इधर, डिस्कशन हो रहा है कुछ। और ये वो किचन, ये हमारे बोटी जी इधर आग जला रहे हैं। इस वाले किचन में यही खाना बनाएंगे, हम लोग नहीं बना सकते, स्पेशल होते हैं ये खाना बनाने वाले बोटी। और ये है वो लकड़ी जिसका यूज इधर अब करेंगे। जल गई भाई बोटी जी की आग, भी जल गई अच्छी खासी। अब इस वाले किचन में इन बर्तन का यूज किया जाता है, इतने बड़े बड़े बर्तन होते हैं। और इन बर्तन में जो खाना बनता है, ये इधर बन रहा है, मतलब इधर इसको काट रहे हैं, जो कि कल बनाएंगे। कद्दू है ये, कद्दू का खट्टा भी बनता है, मीठा भी बनता है, हर धाम में बनता है ये। ये सब कुछ करना पड़ता है एक दिन पहले, और लेडीज को ये काम करना पड़ता है भाई, इतने लोगों के लिए खाना। इधर मैं बहुत ज्यादा थक गई हूँ। अब मैं थोड़ी सी रोटी बनाने के बाद ना खाने लग जाऊंगी, मेरे को भूख लग रही है। तो चलो, मैंने अपने हिस्से की रोटी तो बना ली है, मैं खा लेती हूँ। मैंने तो खा लिया, अब ये लोग खा रहे हैं। सालों का सिगरी पूरी है। आज पूरी फैमिली एक साथ है, जैसे हम लोग पहले होते थे ना, जॉइंट फैमिली में होते थे, वैसे ही आज तो रिश्तेदार भी आए हैं सारे। वो बड़े दे मेरे मेरे चाय गिलास थे। ओए इंस्टा पे दाओ पा वीडियो ऐसा डमरू बजाया भोले बाप भोले नाथ ने, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गए।
ताजा ताजा हो ले